फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है एमएचओर एमएमए एंड ग्रिपलिंग चैंपियनशिप, जो कि तिलक नगर में ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो आज यहाँ पे हम इवेंट में देखेंगे, बात करेंगे सारे ऑर्गेनाइजर से, बात करेंगे यहाँ के बच्चों से जो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक नए तरह का इवेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपके पास नहीं होंगी। तो वो सारी जानकारियाँ हम कोशिश करेंगे आप तक आएँ, आप किस तरह से इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या यहाँ कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, इन सभी जानकारियों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं मिस्टर संजय, जो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक मेंबर हैं। तो इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो किस तरह का इवेंट जी। बेसिकली ये एक सिलेक्शन है, सिलेक्शन कम ट्रायल, जिसका एक बड़ा इवेंट होने वाला है अपना द्रोणाचार्य जिम में, विकासपुरी में, तिलक नगर में, दिल्ली में ही है। तो वो बहुत बड़े लेवल पर होगा, तो गैदरिंग ज़्यादा ना हो तो इसलिए वन केज लीग, जो कि अपना मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन दिल्ली के अंडर में काम कर रही है और एमएमए इंडिया से एफिलिएटेड है, तो हम लोगों ने एक सिलेक्शन कम ट्रायल रखा है कि जो बच्चे सिलेक्टेड बच्चे हैं यहाँ से, वही बच्चे आगे हमारे आने वाले जो हमारा बड़े इवेंट है जो द्रोणाचार्य द जिम के अंदर होगा, उनको यहाँ से सिलेक्टेड बच्चों को ही वहाँ चांस दिया जाएगा। तो सर, इसमें जो आज का जो इवेंट है, लगभग कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? अभी अराउंड हमें लगता है यहाँ पर के 50 प्लस का गैदरिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें हर चीज़ों को फॉलो करना है। कोविड के टाइम में तो गैदरिंग को भी फॉलो करना है और बेस्ट सिलेक्शन पर जाना है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा 100-200 बच्चे कर लें, बट हमारा वो टारगेट है नहीं। हमारा टारगेट है कि अच्छे प्लेयर्स अच्छे लेवल पर कैसे जाएं। ये तो स्टेप वन है। यहाँ से सिलेक्ट होकर बच्चे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे खेलेंगे, वहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेट लेवल खेलेंगे, फिर वहाँ से नेशनल एंड देन इंटरनेशनल एमएमए राउंड के लिए क्वालिफाई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना कि ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ बच्चे तैयार किए जाते हैं और उनका इनिशियल सिलेक्शन किया जाता है, तो इसके बाद दो फर्दर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज़ पर देयर परफॉर्मेंस, के वो स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए, और अपने देश का नाम आगे रोशन करें। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मिस्टर मनीष कुमार से, जो ऑर्गेनाइज़र हैं आज के इस इवेंट के। तो सर, आज ये जो आप इवेंट करा रहे हैं, इसमें किस किस एज ग्रुप के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? मैं जो हमारा एमएमए का इवेंट्स है उसमें 18 प्लस हैं, और जो हमारे पास ग्रैपलिंग के लिए अंदर है उसमें 10 ईयर से लेकर अबव कोई से बच्चे एज के खेल सकते हैं उसमें। तो सर, जैसे कि मैं इस इवेंट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो मुझे आप प्लीज़ बताएंगे कि ये एमएमए इवेंट क्या होता है और ग्रैपलिंग इवेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एमएमए सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताते हैं इसके अंदर कैसे होगा। जैसे आपने अभी ब्रदर्स मूवी देखी होगी, एमएमए के अंदर आती है, सुल्तान मूवी देखा होगा आपने, तो सेम गेम इसके अंदर एमएमए के अंदर होता है, वो चीज़ होती है। ग्रैपलिंग गेम जैसे हमारा कुश्ती होता है, बस उसके सेम कुश्ती जैसा ही होता है, बट इसके अंदर लॉकिंग लगाई जाती है। जैसे आपने सुल्तान में देखा होगा रेसलिंग करते हैं आमिर खान, बट उसके अंदर उनको ग्राउंड गेम्स के बारे में लॉकिंग नहीं आता, तो वो लॉकिंग ट्रेनिंग कराई जाती है। तो सेम ग्रैपलिंग गेम उससे मिलता जुलता ही है, इसके अंदर लॉकिंग ट्रेनिंग कराई जाती है, ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया दोनों गेम्स के बारे में। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा कि इस तरह का कोई गेम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हमने फर्दर और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर आप इस गेम में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि कोई नया बच्चा है, वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, इस गेम में उनका इंटरेस्ट है, तो कैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर, हमारा पेज है वन केज लीग करके, और ऐसे सेम हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, उसमें जाके सर्च कर सकता है, किसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी, कैसे वहाँ पे मैसेज देके हमारे को चीज़ें शेयर कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इस पूरे इवेंट की डिटेल और सर से कॉन्टैक्ट की डिटेल सारी हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे आप लोगों से, आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको अगर किसी भी पॉइंट पे चाहिए, किसी भी गेम के बारे में चाहिए या एडमिशन प्रोसेस के बारे में चाहिए, तो आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे कोच से, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, मिस्टर सुमित, और यहाँ बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, और इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ इस इवेंट में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं इस पूरे इवेंट के बारे में, और पर्टिकुलर स्पेशली एमएमए और जो ग्रैपलिंग जो बेसिकली गेम है उसके बारे में। तो सर, जैसे कि आपने, मैंने जो देखा है कि ये एमएमए और ग्रैपलिंग जो गेम है इंडिया में काफ़ी नया गेम है। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि कहाँ ट्रेनिंग की जाए, कैसे ट्रेनिंग की जाए। तो सर, आप बताएंगे कि आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे लोग आपके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? देखिए, हम अगर आप यूट्यूब पे उस पे भी सर्च करोगे तो आरएस सुपर फाइट क्लब आपको मिल जाएगा, किंग पैंथर मार्शल आर्ट अकेडमी आपको मिल जाएगी। तो हमारे कोटला में भी क्लब हैं और नजफगढ़ में भी क्लब हैं, बाबडोला में भी क्लब है, नांगलोई में भी हैं। तो ऐसे कई क्लब्स हैं जो हमारे चल रहे हैं, और बच्चे हमारे जो हैं नेशनल लेवल तक भी खेल चुके हैं इसमें।
और स्कूल गेम्स भी हमारे बच्चे खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। मैं 2013 में एशियन गेम्स खेल के आया था किक बॉक्सिंग में इंडिया की तरफ से। तो सर जैसा कि सर ने आपको बताया, ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेशनल लेवल पे, तो सर जैसे कि आज की डेट में जो बच्चे नए बच्चे इसमें आते हैं तो किस एज से बच्चे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करते हैं? देखिए, मैं अगर बात करूँ दूसरों की तो बच्चे इस गेम में पेरेंट्स सोचते हैं कि चोट लग सकती है ऐसा कुछ, लेकिन मैं खुद की अगर बात करूँ तो मेरी लड़की ने 2.5 साल की उम्र में गेम ये स्टार्ट कर दिया था। आज वो 6 साल की हो चुकी है और बहुत ही अच्छे लेवल पे वो प्रैक्टिस कर रही है। तो उम्र इसमें डिपेंड नहीं करता कि भाई किस उम्र में आपको स्टार्ट करना चाहिए, बस एक लगन होनी चाहिए कि हाँ हमें फालतू की चीज़ें, जैसे आप देख रहे हो आज के टाइम में बच्चा 2.5 साल का बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर उसको मोबाइल ना दे के और स्पोर्ट्स में डालें तो बेटर है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो मन भी करता है और फिट भी रखता है। सबसे पहला आज हम बाहर निकलते हैं सेफ्टी को अगर हम ध्यान रखें, तो अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं फिजिकली तो फिट हूँ बट मैं अपनी रक्षा, आत्मरक्षा जिसको बोलता हूँ, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इस गेम में मैं फिजिकली भी फिट हूँ और मैं आत्मरक्षा भी अपनी कर सकता हूँ, अपनी भी कर सकता हूँ साथ साथ में दूसरे की भी कर सकता हूँ, और गर्ल्स के लिए तो ये गेम बहुत ही बेटर है। तो गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल आप ट्रेनिंग या कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं? बिल्कुल, गर्ल्स के लिए हम सेल्फ डिफेंस का अलग से जो रोड फाइट जैसे होती हैं, ठीक है, उसकी हम ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि कैंप दिल्ली में भी ऑर्गेनाइज होते हैं और हिल स्टेशंस पे भी हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें गर्ल्स को बेसिकली जैसे कि हम कहें जो आप देख भी रहे हो आजकल रेप अटेम्प्ट जो होते हैं उसमें कैसे बचा जाए, ये हम उस कैंप में ज़्यादातर गर्ल्स को सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लेके चल रहे हैं, मतलब गेम के माध्यम से ये एक पर्टिकुलर सेल्फ डिफेंस का एक तरीका भी है जिसको आपने गेम में कन्वर्ट किया है, और बहुत अच्छा एक फ्यूचर भी है आज के डेट में बच्चों के पास, एक ऑप्शन है कि यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्लेयर। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। हम आने वाले जो गेम्स हैं उसको देखेंगे और डेफिनेटली बच्चों से ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं हमारे एक प्लेयर से, मिस्टर मोहित से, जिन्होंने इस गेम के थ्रू कई जगह मेडल्स जीते हैं, बहुत सारे इवेंट जीते हैं और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया है। तो हम एज ए प्लेयर मोहित आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने फर्स्ट टाइम इस गेम को देखा, समझा, जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो आपकी एज क्या थी? सर मैंने 16 एज में स्टार्ट किया था सर, उस वक्त मैं 10th क्लास में था। तब मैंने सर गेम स्टार्ट किया था सर। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इस गेम में चोट लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपको नहीं खेलना चाहिए, घर वालों ने रोका हुआ? सर स्टार्टिंग में तो डर लगा था सर, हमेशा मम्मी मना करती थी नहीं खेलना, लेकिन सर मेरे पापा ने कभी मना नहीं किया, मेरे को खूब बढ़ावा दिया कि खेलो आगे खेलो सर, मैं इसलिए। तो आपने लगभग कितना टाइम हो गया इस गेम को करते हुए आपको? सर मुझे 5 ईयर हो चुके हैं। ओके, यस सर। तो 5 साल में आपने इस लेवल पे आगे हो कि आप एक कई सारे टूर्नामेंट आपने जीते हैं, कई सारे टाइटल आपने जीते हैं और डेफिनेटली आप नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। तो अब आपको अपनी 5 साल पहले की लाइफ में और आज के लाइफ में जो आपने डिसीजन लिया इस गेम को खेलने का, तो उसके बारे में कैसा फील होता है? सर मुझे बहुत अच्छा फील होता है सर, एक तो सर फिजिकली बहुत अच्छा लगता है और सर मेंटली भी अच्छा लगता है, बाहर नहीं निकलते सर, बाहर के बारे में पता चलता है लोगों से, मतलब बातचीत करने का वो मनता है, और सर गेम के बारे में भी काफ़ी पता चला सर, गेम लाइफ से काफ़ी चेंजिंग आया सर। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो हमारे मिस्टर मोहित बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं,
तो मोहित आपकी डाइट में क्या होता है बेसिकली? सर मैं सुबह सुबह सर दो एप्पल लेता हूँ सर, एक बनाना लेता हूँ, फिर सर थोड़ी एक्सरसाइज करके सर बनाना शेक लेता हूँ सर, रोटी वगैरह ज़्यादा नहीं खाता सर, दो से तीन रोटी सर, सब्जियाँ खाता हूँ सर, जैसे कि गाय हमारे घर पे सर, मैं दूध घी पे ज़्यादा जोर देता हूँ, और सर प्रैक्टिस से टाइम से पहले एक कटोरी दही ले लेता हूँ सर, और सर प्रैक्टिस के आने के बाद थोड़ा गर्म पानी, और सर फिर बाद में शेक। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि इस तरह की बॉडी और स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ने ही पड़ेंगे, डेफिनेटली सारे फास्ट फूड छोड़ने पड़ेंगे और नेचुरल डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ का राज ही नेचुरल डाइट्स में होता है। तो आपने जैसे मोहित को सुना कि ये पूरा दिन जिस तरह का डाइट लेते हैं उसमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, दूध घी और फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब को ज़्यादा वो यूटिलाइज़ करते हैं ताकि इनकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे। तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए। तो आप आने वाले बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं या इस गेम को देखेंगे उनके बारे में क्या कहना है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा सर, ये अगर आपको फिट रहना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए सर, अगर आप फ़ोन वगैरह में लगे रहोगे तो आँखें वीक होंगी सर, माइंड पर भी असर पड़ता है, लेकिन अगर हम फिजिकली गेम खेलोगे तो सब पर असर पड़ता है, देखने वाले पर भी और हम पर भी सर। मैं यही कह सर। श्योर फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है जिसमें बोला गया है कि एक घंटा रोज फिटनेस का डोज, ये एक मंत्र है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, आगे फाइट्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं गर्ल पावर की। तो यहाँ हमारे साथ हैं प्रियांशी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते हैं और इंडिया लेवल पे भी कई सारे इन्होंने फाइट्स को जीता है। तो प्रियांशी आप कितने टाइम से इस गेम को खेल रहे हो? थ्री इयर्स ग्रैपलिंग। ओके, तो जब आपने इस गेम के बारे में फर्स्ट देखा समझा तो आपको डर नहीं लगा इस गेम से? डर नहीं लगा, एक्चुअली मैं पहले से स्पोर्ट्स में हूँ, मैं कराटे में हूँ तो आदत है, और डर नहीं लगा, इसे मैंने स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखा। और ये गेम जो है काफ़ी सेफ भी है और काफ़ी अच्छी भी है। तो आपके पेरेंट्स ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि इसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं? मेरे फादर संजय मेहरोल हैं, वो मेरे कोच है कराटे के एंड ग्रैपलिंग के। ओके, तो आपको मतलब कि फादर के थ्रू सीखने के ज़्यादा इस गेम को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने का मौका मिला, तभी आप इस गेम की तरफ अट्रैक्ट हुए? हाँ जी, एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, मेरे को आप कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जाने की तो मैं जाऊंगी आगे से, मुझे इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में बहुत, और अब मैं कराटे में हूँ तो उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ मैं और भी गेम्स में पार्टिसिपेट करूँ। फिर मैंने ग्रैपलिंग खेला तो ग्रैपलिंग में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा मेरा, सिल्वर, फर्स्ट टाइम सिल्वर था सिलेक्शन में, देन नेशनल खेली मैं, आफ्टर नेशनल फिर एशियन, साउथ एशियन, इंटरनेशनल सब खेला, उसमें भी रैंकिंग काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। आप जो ये वीडियो को गर्ल्स देख रही हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आगे बढ़िए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, आगे से आगे बढ़कर, और अपने आप को पीछे ना रखिए, डरिए मत, केस में तो लग जाएगी, मेरा तो फेस ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर गेम स्पोर्ट्स में तब आती है जब वो सेफ हो, और हर गेम सेफ्टी के साथ ही सिखाई और खिलाई जाती है। तो आप आइए, ग्रैपलिंग, कराटे सब सीखिए, एमएमए मार्शल आर्ट में जाइए, पार्टिसिपेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। तो अभी आपने फाइट की, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, लेकिन ये नॉर्मली डेमो फाइट थी इसलिए क्योंकि पहले मेरा कुछ ऐसा था, मैं एमएम फाइट के लिए आया था, लेकिन जब हमें पता चला तो सिलेक्शन चेंज हो गए, तो अभी ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग नहीं थी, वो नॉर्मली ऐसी डेमो फाइट ही थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
आपका नाम बताएंगे? विजय सिंह। विजय, आपको कितना टाइम हो गया गेम खेलते हुए? 2017 से खेल रहा हूँ यहाँ पे गेम। ओके, और आपके कोचेज वगैरह जो हैं किस तरह से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कहाँ ट्रेनिंग करते हैं? कोचेज यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और वैसे मैं रोहिणी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ 2017 से। इससे पहले मैंने MMA और किक बॉक्सिंग खेली हुई है, और ग्रैपलिंग का ही मेरा पहला कॉम्पिटिशन। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।